हेलो फ्रेंड्स, झारखंड करंट अफेयर्स में कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें इसको भी देखते हुए चलना है, तो कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है, देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला कौन बना? तो यह आपका क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन है हजारीबाग, रांची, इंदौर और बड़ोदरा। तो ये चार ऑप्शन है। तो देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बना है, हुआ है अपना रांची। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को देखते हैं। तो रांची है अभी देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला। तो नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी किया, जिसमें रांची जिला को पूरे देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और रांची जिला देश के 112 जिलों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की। तो दोस्तों, नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी किया, जिसमें रांची जिला को पूरे आकांक्षी जिलों में से पहला स्थान प्राप्त हुआ है, और यह जो है रांची जिला, वह देश के 112 यानी कि 112 जिलों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। अगर हम बात करेंगे आकांक्षी जिला कार्यक्रम, तो देश में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2018 में किया गया था। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी, वह 2018 में किया गया था, और अभी जो है नीति आयोग के द्वारा डेल्टा रैंकिंग जारी किया गया, जिसमें रांची जिला को पूरे देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। तो यह रांची और साथ साथ झारखंड के लिए भी गौरव की बात है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड का कितनवा स्थान मिला है? तो यहाँ पे है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को कितनवा स्थान मिला है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यह है आपका ऑप्शन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में झारखंड को है तीसरा स्थान मिला है। तो इसके बारे में देखते हैं। गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में झारखंड को 18 बड़े राज्यों में 9वां स्थान मिला है, और यह बेंगलुरु में स्थित है। यह थिंक टैंक पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा यह जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये तो आप लोगों को पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 की सूची में विकास करने के मामले में झारखंड को तीसरा स्थान मिला है, लेकिन इसी में अगर हम बात करें तो गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में भी प्राइज़ दिया गया है, नॉमिनेशन हुआ है, तो इसमें झारखंड को 18 बड़े राज्यों में 9वां स्थान मिला है, जो कि गवर्नेंस परफॉर्मेंस कैटेगरी में मिला है, और पब्लिक अफेयर इंडेक्स में तीसरा स्थान मिला है। और यह जो है बेंगलुरु में यह स्थित है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स का जो थिंक टैंक है वह है पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा यह जारी किया गया। तो आपको ये भी जानकारी को ध्यान रखना है। अगला है, तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 पुरस्कृत लेफ्टिनेंट कर्नल जय प्रकाश झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं? तो यह तीसरा करंट अफेयर्स है। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 पुरस्कृत लेफ्टिनेंट कर्नल जय प्रकाश, नाम आपको याद रखना है, लेफ्टिनेंट कर्नल जय प्रकाश, ये झारखंड किस जिले के रहने वाले हैं? ऑप्शन है रांची, बोकारो, धनबाद और हजारीबाग। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बोकारो। तो ये कर्नल जयप्रकाश जो है वो बोकारो जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। तो ये फुसरो बोकारो के रहने वाले हैं, और इन्हें यह पुरस्कार 2019 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी करने के लिए दिया गया, और यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया। तो दोस्तों, लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश को माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई पूरी करने के लिए दिया गया है, और इन्हें यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया, और ये जो हैं वे फुसरो बोकारो के रहने वाले। तो आपको ये याद रखना है। अगला है, 100 यानी कि 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्यों का पुरस्कार में झारखंड कितनवा स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार में झारखंड को कितना स्थान मिला? तो यह आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका जो सही उत्तर है वह है पहला। तो इसमें झारखंड को पहला स्थान मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड को पहला स्थान मिला है, और राष्ट्रपति ने यह सम्मान झारखंड को प्रदान किया है। देश के 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर को सबसे
सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए दूसरा स्थान मिला है या दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय और राज्यों की श्रेणी में जो है झारखंड को पहला स्थान मिला है। और ये जो है पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा झारखंड को प्रदान किया गया है। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि देश के जो है 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जमशेदपुर को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के लिए दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये जो है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज यह एक दूसरे कैटेगरी में जमशेदपुर को मिला है। तो इस प्रकार से झारखंड के साथ साथ में जमशेदपुर के लिए भी गौरव की बात है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड पुलिस को देश भर में कितनवा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड पुलिस को देश भर में कितनवा स्थान मिला है। तो आपका जो ऑप्शन हुआ है 20, 22, 24, 26। तो ऑप्शन जो है 20, 22, 24 और 26। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है 26वां। तो स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड पुलिस को 26वां स्थान मिला है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के ताज़ा सर्वे के अनुसार झारखंड पुलिस 6.7 अंक लाकर 26वां स्थान प्राप्त किया। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश पुलिस है जो 8.11 अंक हासिल किए। तो ये भी आपको याद रखना है कि स्मार्ट पुलिसिंग में झारखंड पुलिस को 26वां स्थान मिला है। और जो पहला स्थान है वह है आंध्र प्रदेश पुलिस का, और झारखंड पुलिस जो है वह 6.7 अंक प्राप्त किए हैं, जबकि आंध्र प्रदेश पुलिस का जो है अंक वह है 8.11। तो ये आपको याद रखना है, झारखंड पुलिस को 26वां स्थान मिला है स्मार्ट पुलिसिंग में। वरिष्ठ पत्रकार और प्रसारक सुनील बादल के उपन्यास मोय सुशीला का लोकार्पण निम्न में से किसने किया। तो यह है वरिष्ठ पत्रकार और प्रसारक सुनील बादल का जो उपन्यास का नाम है मोय सुशीला, यह नाम इम्पोर्टेंट है। उपन्यास का नाम है मोय सुशीला, तो इसका जो है लोकार्पण किसने किया है। ऑप्शन है रमेश बैस, हेमंत सोरेन, आशा लकड़ा और रवि रंजन। तो ये चार ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है वह है रमेश बैस, जो कि अभी वर्तमान झारखंड के राज्यपाल हैं। तो मोय सुशीला जो उपन्यास है उसका जो लोकार्पण किए हैं वह है झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस। तो यह क्या है, तो यह जो उपन्यास है वह झारखंड की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित घटना से प्रेरित एक काल्पनिक कहानी है। तो इस उपन्यास में जो है वह एक घटना से प्रेरित काल्पनिक कहानी है, और यह जो कहानी है वह झारखंड की है लेकिन यह राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। तो इस प्रकार से इस उपन्यास को लिखा गया है। तो इसी का जो लोकार्पण हुआ है वह रमेश बैस के द्वारा किया गया है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो है उपन्यास मोय सुशीला उसको जो लिखे हैं जो पत्रकार हैं उनका नाम है सुनील बादल, ये भी आपको याद रखना है, और साथ साथ में रमेश बैस उनका लोकार्पण किया है तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये करंट अफेयर्स आपको ध्यान में रख करके याद करना, हो सकता है झारखंड के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए।